पूर्वी चंपारण जिला पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने रामगढ़वा थाना क्षेत्र से ब्राउन शुगर के साथ चार तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों में तीन मोतिहारी और एक पश्चिमी चंपारण जिला के रहने वाले हैं, जिनके पास से 600 ग्राम ब्राउन शुगर और दो मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। पुलिस इन तस्करों के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक को तलाश में जुटी हुई है। बरामद चरस का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 60 लाख रुपए बताई जा रही है। SP कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि नेपाल से मादक पदार्थ की एक खेप आने की जानकारी मिली थी। सूचना मिलने के बाद रक्सौल DSP धीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और NH किनारे के सभी थाना को अलर्ट करते हुए सघन वाहन जांच का निर्देश दिया गया। वाहन जांच के दौरान रामगढ़वा थाना क्षेत्र में दो बाइक पर सवार चार युवक आते दिखे, जिन्हें रोककर उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से मादक पदार्थ बरामद हुआ, जिसकी जांच की गई तो वह ब्राउन शुगर निकला। गिरफ्तार तस्करों में तीन मोतिहारी के रहने वाले हैं, जिसमें दरबा थाना क्षेत्र का रहने वाला पासपत शाह, रक्सौल थाना क्षेत्र के रहने वाला जितेंद्र शाह और श्याम बाबू कुमार के अलावा पश्चिमी चंपारण जिला के सिकटा थाना क्षेत्र के रहने वाला वीरू श्रीवास्तव शामिल है। इनमें दो कैरियर है जबकि दो तस्कर है। पुलिस इन तस्करों से पूछताछ कर रही है। ड्रग्स के विरुद्ध लगातार कार्य कर रहे हैं और इसी संबंध में कुछ सूचना प्राप्त हुई थी कि रक्सौल बॉर्डर से कुछ तस्करी की सूचना है। इस संबंध में SDPO रक्सौल श्री धीरेन्द्र कुमार को टीम बना के कार्य करने के लिए बताया गया था। इस टीम ने सफलतापूर्वक चार तस्करों को हिरासत में लिया है और इनके पास से 600 ग्राम ब्राउन शुगर मिला है और दो मोटरसाइकिल जब्त हुआ है। गिरफ्तार अपराधी हैं पसपत शाह दरपा थाना का, जितेंद्र शाह रक्सौल का, श्याम बाबू कुमार रक्सौल का और वीरू श्रीवास्तव सिकटा थाना पश्चिम चंपारण का। हम लोग इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस देख रहे हैं, ये जो सामान है कहाँ भेजा जा रहा है और बहुत जल्द उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। कैरियर हैं क्या सर? इसमें से दो लोग हैं जो कैरियर लग रहे हैं और जो दो हैं वो तस्कर प्रॉपर जो है गिरोह के लग रहे हैं।